नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बीसी क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्र 35, निर्धनता एक चुनौती, भाग दो। इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, हिंदी में भी लिख रहे हैं, मैथ में भी कई बार लिखते हैं, कई नहीं लिखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे हैं। वर्कशीट वाला अपने हिसाब चल रहे हैं, कोई बात नहीं। दिनांक 24/9/2020, विषय सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। तो कौन सी किताब चल रही है आपकी? अर्थशास्त्र की। आपको पता है ना, सामाजिक विज्ञान की चार किताबें होती हैं, बोल रखा था काफी, अपने अपने उसमें बताए हुए थे काफी अच्छी तरीके से। तो चलिए एक बार हम अपने सपोर्ट मटेरियल को भी देख लेते हैं। तो 2020-21 सामाजिक विज्ञान बेचना मना है, ओके। और यहाँ पे अर्थशास्त्र किताब 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पे निर्धनता, निर्धनता एक चुनौती, और इसका भाग दो पढ़ रहे हैं। भाग एक पढ़ चुके हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं पिछली वर्कशीट तो भाग एक निर्धनता एक चुनौती पढ़ चुके हैं, निर्धनता एक चुनौती भाग दो, और पाठ तीन, और आपके बुक है जो अर्थशास्त्र की है, सामाजिक विज्ञान की चौथी किताब, जिसका नाम अर्थशास्त्र इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही। चलिए तो इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। निर्धनता का अर्थ गरीबी से है, ठीक है। देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। 21%, समझ लो हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती है। देख रहे हो, हमारे जैसे देश में निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे बेरोजगारी, निरक्षरता, ठीक है, और खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अपवर्जन, ठीक है, असुरक्षा और असुरक्षा आदि। सामाजिक अपवर्जन और सुरक्षा, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, सामाजिक अपवर्जन, ठीक है, असुरक्षा तो आप इस वाले पढ़ लेंगे। तो अपवर्जन का मतलब था एक ऐसा अलग से समूह जो समाज से अलग रहता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो भारत में 21% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जो बाहर देश के लिए बहुत ही खराब स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से, ठीक है, मतलब $1.9। तो इसे मैंने, अगर मैंने नेट पे सर्च किया और जो रेट आज चल रहा है उस हिसाब से, ठीक है, तो 39-40 मान लेते हैं इसे, ठीक है, 40 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़े आंकड़े के हिसाब से खराब हो जाएगा, लेकिन हम समझने के लिए 140, अगर 140 रुपए से कम प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 140 रुपए से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं, समझ रहे हो। मगर आप 140 रुपए से व्यक्ति अगर कोई एक दिन में खर्च कर रहा है तो वो निर्धन नहीं है, समझ रहे हो, ये आंकड़े हैं ऐसी स्थिति में। और ऐसी स्थिति में हमारी 21% जनसंख्या है, देख रहे हो, और कौन व्यक्ति एक दिन में 140 रुपए खर्च नहीं करता होगा, मतलब सभी लगभग, ठीक है, ठीक है, इतने कम पे प्रति व्यक्ति के हिसाब से, देख रहे हो, अजीब बात है, निर्धन नहीं माने जाते हैं। अगर इससे कम कमाएगा तब निर्धन है। इसके अनुसार कि आपके 100 रुपए हो जाए, इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देश से भी पीछे, पाकिस्तान 4%। देखो अब की बार मुझे थोड़ा सा बुरा लगा है, ठीक है, तो पाकिस्तान हमसे अमीर, मतलब वहां पे हमसे अमीर बंदे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में 4% गरीबी रेखा 4% है, बांग्लादेश में 15% है, श्रीलंका और चीन में 1%। देख लो, चीन से हम टक्कर ले रहे हैं और यहाँ पे बस जो निर्धनता है वो 1%, ना के बराबर समझो श्रीलंका जो हमसे बिल्कुल नीचे रहता है, वहां पे भी 1% से भी कम निर्धन लोग हैं, और भारत में 21% लोग, ठीक है, तो ये थोड़ा शोचनीय बात हो जाती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, कहने का मतलब इसमें, मतलब जो निर्धन है, निर्धन में भी आपकी कैटेगरियां बांट दी गई हैं, छोटी जात, बड़ी जात, बड़ी जात, छोटी जात, ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST जो आपने सुना भी होगा, के परिवार, ग्रामीण, भूमिहीन, कृषि श्रमिक परिवार, और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। जो रोजमर्रा कमाता है, जो ग्रामीण में कृषि में काम करता है, तो ग्रामीण तो कुछ, जब फसल काटने का समय आता है तभी उसको उसको रोजगार मिलता है, फसल काटने जब बुआई का समय आता है तब उसे काम मिलता है, ठीक है, और वैसे ही मजदूर जो शहर में रहता है उसे जरूरी नहीं कि हमेशा काम मिलता रहे। ये सबसे एक ऐसे वर्ग है निर्धनता में जो और असुरक्षित वर्ग है। निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। मर्द निर्धन में भी निर्धन, जैसे कि महिलाओं, आपने देखा होगा, ये मैंने अक्सर देखा और आप लोग भी देखोगे, सेम काम,
सेम काम सेम व्यक्ति कर रहा है, एक महिला है और एक पुरुष है, ठीक है। तो महिला का जो तनख्वाह होती है वो कम होती है जबकि पुरुष की तनख्वाह ज्यादा होती है। हम सामाजिकता में समाज बराबरी की बात करते हैं जबकि यहाँ पे बराबरी की कोई बात है ही नहीं रियल लाइफ में। और महिलाओं, मतलब दोबारा से पढ़ देते हैं, निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरे से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। मतलब लिमिट संसाधन है उनके पास, और महिलाओं वृद्ध को और भी नहीं दिया जाता, उसमें से भी नहीं दिया जाता। इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। देखो ऐसी स्थिति है महिलाओं की। हम यहाँ पे अगर हिंदुओं माने तो बहुत उसे हम देवी के दर्जा देते हैं, ठीक है। मुस्लिम में तो ऐसे कुछ बात नहीं है, ठीक है, हम इस सीन कर रहे हैं। और वृद्ध, वृद्ध तो हर एक में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम में। हमारा काम निकल गया, वृद्ध को हमने घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या मतलब होता है ओल्ड एज होम को जो बन रहे हैं, ठीक है। मैं सभी परिवार की बात नहीं कर रहा, जो ऐसे परिवार जो अपने आप को मतलब पता नहीं क्या समझ लेते हैं। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं हम, निर्धनता के कारण, ठीक है। अब ये निर्धनता हमारे देश में इतनी बसी क्यों, दूसरे देश में क्यों नहीं बसी हुई है? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत की निर्धनता का ऐतिहासिक कारण रहा है। भारत अंग्रेजों ने हलकटों ने 200 साल तक राज किया है, ठीक है। यहाँ आते हम सेल्फी लेने के लिए, ठीक है। हलकट तो इन्होंने 200 साल तक राज किया और हमारी जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी उसने चरमरा दिया था बिल्कुल। पहले हमारे जैसे सोने की चिड़िया थी ना, इन्होंने लूट लूट के लूट लूट के कंगला बना दिया हलकटों ने। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे तरक्की पे राह पे आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जिसमें पारंपरिक हस्तलिपि को नष्ट कर दिया गया। अंग्रेज जो हलकट होते थे उन्होंने अपने मतलब जो हद कर गया, आपको और आगे भी पढ़ेंगे, जो हम अपने हाथों से बनाते थे उन्होंने उनके हाथ काट दिए और अपनी बनाई गई मशीनों द्वारा चीजों को जबरदस्ती बेचते थे, ठीक हो। इतना उन्होंने शोषण कर दिया और जो हमारी हस्तलिपि थी धीरे धीरे वो नष्ट हो गई। इसी को हस्तलिपि धीरे धीरे नष्ट हो गई कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया, मतलब उसे विकास को रोक दिया गया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और आय की वृद्धि दर गिरी, ठीक है। 1980 और 2020 आप एक जैसा बता सकते हो, ठीक है। जैसे 1900 दशक का मतलब है 1980 81 82 83 84 दशक का मतलब दशक 10 ले लेते इसमें तक जारी है और आय की वृद्धि दर गिरी है। वैसे इस टाइम पे 2020 में भी देखो प्रति व्यक्ति आय कितनी गिरी है, बहुत ही गिर गई है। रोजगार की स्थिति है ही नहीं, समझ रहे हो। ऐसी स्थिति उस टाइम पे थी, आप आकलन लगा सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई है। इन दोनों के प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और रोजगार के अवसर से पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्कर बना रहा, ठीक है। जनसंख्या का भी किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो कई बार हम बताया जैसे हमें जनसंख्या पे भी अपना कंट्रोल करना चाहिए। ज्यादा जनसंख्या होगी, जैसे 1 किलो चावल, ठीक है, दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति में बांटे जाएंगे, चार व्यक्ति होगा तो चार में बांटा जाएगा ना। तो धीरे धीरे जो हमारे पास चीजें होती हैं वो कम हो जाती है, तो हमें जनसंख्या पे भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण, वितरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है, क्या चीज, बांटना। तो भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी है, ठीक है। और मतलब किसी को ज्यादा किसी को कम दिया गया, जिस वजह से कोई अमीर और कोई गरीब बन गया है। भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। आपने देखा होगा ना, भारत में सामाजिक दायित्व के धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में, धार्मिक अनुष्ठान मतलब पूजा हवन, ठीक है, दरगाह में बहुत सारे अंधा पैसा चढ़ा देते हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, और जो हम मंदिरों पे और दरगाह पे जो चढ़ा रहे हैं उनको लगता है इससे हमारा बेनिफिट हो रहा है। भगवान और इंसान, ठीक है, मैं अगर बताऊं तो भगवान खुदा गॉड अल्लाह एक ही है, भगवान इज वन, ठीक है, गॉड इज वन। तो उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज बनाई गई है जो है इंसान, और इंसान अगर इंसान की ही मदद नहीं कर रहा है, अब वो इस चीज को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम मेरे यहाँ पे आओ, ठीक है। तो आप इंसान हो और इंसानों की मदद करो, वो अल्लाह गॉड भगवान, ठीक है, बहुत खुश होगा, ठीक है। तो बहुत पैसा खर्च करते थे, लेकिन ऐसे बात नहीं है, कई लोग मदद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्य में लगी है, किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है तथा पुराने तरीके से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। अभी भी हमारे बहुत सारे भारत क्षेत्र में पुराने
तौर तरीकों से ही कृषि की जा रही है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है, बिल्कुल कृषि में कुछ न कुछ घटा ही रहता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आघात की खरीदारी के लिए धनराशि जरूरत होती है। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाता है। ठीक है, अगर आपको बताऊं किसान विश्व में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सबसे डेंजरस बिजनेस है ना, कोई कहता मैं सबसे बड़ा डेंजर बिजनेस, मैंने कहा सबसे बड़ा डेंजर लेके ये बिजनेस खड़ा किया है, तो कोई नहीं है। सबसे बड़ा डेंजर जो बिजनेस करता है वो किसान करता है। आप किसान को अगले दिन का नहीं पता कि बारिश होगी कि नहीं होगी, बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी, फसल बर्बाद होगी नहीं आएगी, उसको सब कुछ सब दर किनार रखते हुए अपनी फसल पर फोकस करता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते इस बात पे, क्योंकि किसान है ही ऐसा। ठीक है, वो है ही ऐसा, वो चाहता है कि मतलब देश को खाने की कमी नहीं देना चाहता, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क लेता है। और हम उसको क्या कहते हैं, अरे किसानी तो है, किसानी तो है, और उसे किस चीज के लिए, उर्वरक कीटनाशक रिस्क सबसे बड़ा ले रखा है उसे, उर्वरक कीटनाशक के लिए भी उसे पैसे जुटाने के लिए किल्लत हो जाती है कई बार, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमें उनको मदद करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम उसे पैसा देते हैं और उसे हम ब्याज पर ब्याज लेने लग जाते हैं, और हम कहते हैं हम समझदार है, देखो हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना जैसे कृषि आघातों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाता है, वे इन कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। किसी के लिए? कृषि के लिए। आप बताइए, कृषि के लिए कर्ज ले रहे हैं, देख रहे हो, मतलब मैं स्थिति पे बता रहा हूँ कि हमें इनकी और मदद करनी चाहिए, तो नहीं ये उल्टा कर्ज ले रहे हैं। निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं, और कई बार क्या होती है, फसल नष्ट हो गई, माना फसल नष्ट होगी, लेकिन जिस साहूकार से उन्होंने ब्याज लिया है वो तो भैया माफ नहीं करेगा। नहीं हो नहीं, हम क्यों माफ करें भाई साहब, वो क्यों माफ करेगा, कई दिन हमने तो पैसा दिया, हमारा पैसा चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई बार गवर्नमेंट का मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगा। कई बार गवर्नमेंट, मैंने देखा है कि उन्होंने किसानों का जो कर्ज है बहुत हद तक कई बार माफ किया है, इस बात के लिए मैं सरकार की सराहना भी करना चाहता हूँ, लेकिन कई बार नहीं माफ किया है। ठीक है, कांग्रेस सरकार मोदी सरकार दोनों ने कई बार माफ किया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और जो ऋण ग्रस्त हो, जो साहूकार से पैसे ले रखे हैं, जो प्राइवेट से पैसे ले रखा है, वो तो भैया वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऋण ग्रस्त हो जाता है, अत्यधिक ऋण ग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम बनती है। अब जो व्यक्ति ऋण ग्रस्त होगा, जितना भी कमाई उसके ब्याज में चलती चलती है, जितने भी कमाई उसके ब्याज में, ब्याज देते रहता भैया, वो ब्याज ही देता रह जाता है। ठीक है, अपने जीवन की कमाई पर, तो सबसे बड़ा ये है। चलो अपने आप आगे पे आते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी देश की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण हैं। ठीक है, ये सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको देखो ये पोल दिखाता हूँ। मैंने इस पोल में क्या रखा था कि हमारे कितने अर्थशास्त्र की, कितने सॉरी अर्थशास्त्र एसएसटी की कितनी किताबें होती हैं, तो मैंने उस पर लिखा था आपकी अर्थशास्त्र की एक किताब है, दो किताब है, तीन किताब है, चार किताब है, चार ऑप्शन दिए थे। उसमें कई बच्चों ने देखो किस पे टिक किया है, एक वाले पे, समझ रहे हो, एक वाले पे टिक किया है। कोई कुछ बच्चों ने तो दो वाले पे टिक किया है, लेकिन ज्यादातर 90% बच्चों ने चार किताबों पे क्लिक किया है, और उन्होंने उसके नाम भी बताए हैं, बहुत अच्छी बात है, नाम बताए बता के बहुत अच्छा किया, इस प्रकार में वोट देते। इससे देखो ये पता चलता है कि बहुत बच्चों को अपने एसएसटी की किताबों के बारे में नहीं पता। देखो यहाँ पर उन बच्चों को जागरूक हमें करना पड़ेगा ताकि उन्हें इस चीज का पता चले। 90% मतलब 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनकी एसएसटी की चार किताबें हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने आसपास के जो दोस्त आपके हैं ना, सबसे पूछते रहिए ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो, यार मतलब क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, चार किताबें हैं, चारों में से चौथी पढ़ रहे हैं, पहली का नाम क्या है, दूसरी का नाम क्या है, किसमें से कौन सा चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, ये अपने आसपास के दोस्तों से पूछते रहे। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला है उच्च जनसंख्या। भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, ये भी कारण। धीरे धीरे अगर हम नापा जाए तो हम चाइना से आगे निकल जाएंगे। शिक्षा का अभाव भी है यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं शिक्षा पे एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, क्यों नहीं 12वीं तक शिक्षा टोटल फ्री हो जाती। ठीक है, अगर शिक्षित व्यक्ति हो जाए तो रोजगार भी खोज सकता है, ठीक है, और जागरूक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 12वीं तक शिक्षा में जो सरकारी स्कूल वो पैसे क्यों लेते, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। ठीक है, शिक्षा इतनी महंगी क्यों होती चली जा रही है। शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहिए, अगर बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश को तरक्की करेगा ना। अब बोर्ड के अभी आप 9th क्लास में हो, अभी आपके 300 रुपए ले जा रहे होंगे, जैसे ही आप बोर्ड में जाओगे ना 10th क्लास में, अगर कोई दोस्त तैयार होगा तो पूछना उससे 2500 रुपए आपके बार लगेंगे। 2500 रुपए किसी कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, किसी व्यक्ति की 2500 रुपए महीने की कमाई है।
ठीक है, तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो जागरूकता की कमी, अल्प विकसित कृषि, ये कारण है जिसकी वजह से जो हमारी निर्धनता दर है दर बदर बढ़ते जा रही है। हमें जागरूकता की हमें हमारे अंदर नहीं है, अल्प विकसित कृषि है, बहुत सारी हम पुराने तकनीकियां के इस्तेमाल कर रहे हैं। भी सुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है, सुरक्षित समूह, सॉरी गलती से पढ़ी, असुरक्षित है ये, असुरक्षित समूह किसे माना जाता है, इसका दूसरे का आंसर है आपका। इसकी किसी बच्चों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैंने माय टेलीग्राम पर इसे मैं अपलोड कर देता हूँ, जिसको वीडियो को आप रोक रोक के बार-बार लिखने जरूरत नहीं है, वहां जाएंगे पीडीएफ मिल जाएगा, आसानी से वहां से लिख सकते हैं। माय सीबीएसई क्लास टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा माय सीबीएसई क्लास, आपको मिल जाएगा। निरंतर रेखा के नीचे आने वाले समूह है जैसे अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति जाति तथा ग्रामीण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ग्रामीण कृषि श्रमिक तथा शहरी अनियमित मजदूर, जो असुरक्षित समूह में गिना जाता है। ये ऐसे वर्ग हैं जो असुरक्षित समूह में गिने जाते हैं, इनके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है, कोई स्थायी चीज नहीं है। तीसरा है निर्धनता में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों क्यों, ठीक है, तो आप बताइए क्यों हो सकते हैं। अब जैसे मैंने था महिलाएं जो थे और वृद्ध थे और बच्चे थे, ठीक है, महिलाओं वृद्धों तथा लड़कियों को निर्धनों में भी निर्धन माना जाता है क्योंकि इनकी संसाधनों तक पहुंच एक समान नहीं है। इनके जितने निर्धन होने के वजह, निर्धन तो पहले से ही है, जितने के पास संसाधन है उसमें भी इनको कम दिया जाता है। जैसे किसी के पास, ठीक है, एक परिवार है, चार बच्चे हैं, चार बच्चों में दो बच्चियां और दो लड़के दो लड़कियां हैं, ठीक है, वो परिवार मोस्टली आपकी लड़की को पढ़ाना चाहता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहता है, समझ में आई बात। तो लेकिन आप देखो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनको देखो पेरेंट्स ने मोबाइल दिला रखा है, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप तो अपने पेरेंट्स का आपको थैंक यू भी बोलना चाहिए, ठीक है, बहुत चीजें आपके पास यूट्यूब पे आ गई, इतना ज्ञान आप जो देख रहे हो, आपको एक बार पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास अभी मोबाइल नहीं है, ठीक है, और बताइए जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है वो कैसे पढ़ रहा होगा, कोई अपनी किस तरह से कर्ज में आके बच्चे के लिए मोबाइल ले रहा है। आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दिला रखा है, इसके लिए आप एक बार थैंक यू बोलिएगा और अपने इस मोबाइल का सदुपयोग करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस बात का भरोसा रहे मेरे बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स को जो उनको जब लगता है उनका बच्चा पढ़ रहा है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिव कमेंट्स आपके आते हैं, कई बार जो मैंने पोल पूछता हूँ उस पर भी आप काफी अच्छी चीजें बताते हैं, तो सुन के काफी अच्छा लगता है कि नहीं आप सच में पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स ये चीजें सुन के और देख के काफी खुश भी होंगे। क्वेश्चन नंबर चार, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना। औपनिवेशिक शासन का ही मतलब समझ जाता हूँ, एक ऐसी स्थिति जब एक देश पर दूसरा देश शासन करता है, ठीक है, और अपने नियम कानून से, ठीक है, उसे औपनिवेशिक शासन कहते हैं। जैसे भारत था और भारत पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उस टाइम पे भारत क्या था, औपनिवेशिक शासन था, और किसका शासक था, ब्रिटेन वालों का, अंग्रेजों का, गोरे चिट्टे लोगों का था जो बिना फेयर लवली के गोरे रहते हैं, लेकिन हमने उनका मुंह बाद में काला कर दिया था। तो निर्धनता का कारण कैसे बना, औपनिवेशिक शासन के दौरान निर्धनता, उन्होंने हमारे हथकरघों के हाथ काट दिए थे आपको पता है ना, क्योंकि इस दौरान कुटीर उद्योग नष्ट कर दिए, उन्होंने कुटीर उद्योग बहुत ही बुरी तरह से नष्ट कर दिए थे। आप ट्वेल्थ में जब जाओगे टेंथ में तो ये स्पेशल अलग से एक पार्ट है। इस दौरान कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, उद्योग का विकास नहीं हो पाया, इसे ध्यान से लिखना, ठीक है, मैंने इसी में लिखा नील खेती, मेरे को एक बार याद आया, ठीक है, इंडिगो नाम का एक पार्ट है टेंथ में मेरे ख्याल से, इंडिगो मतलब नील की खेती, नील ही होता है, नील की खेती को जबरन करवाना, ठीक है, नील खेती को जबरन करवाया जाता था जिससे खेतों की उर्वरकता धीरे धीरे कम हो गई। तो इसलिए नहीं करवाते थे खेतों की उर्वरकता कम हो जाए, क्योंकि नील बहुत ही महंगे बिकते थे दूसरे मार्केट में, और उस वजह से हमें नील की खेती करवाते थे, और इस वजह से जो हमारे किसान थे, भारतीय किसान, उनकी खेती में काफी उर्वरकता जो थी कम हो जाती थी, लेकिन अंग्रेज जो हलकट थे उनको तो अपना फायदा दिख रहा था, नील बेच के काफी काफी मजा आ रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, चार हो गया। पांच, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं, भारत में निर्धनता के कारण कौन कौन से हैं, तो पहला है अशिक्षा, ठीक है, अशिक्षा क्यों नहीं होगी, अब शिक्षा धीरे धीरे इतनी महंगी बनाए जा रहे हो, ठीक है, धीरे फ्री शिक्षा क्यों नहीं है, मतलब जो शिक्षा ट्वेल्थ तक तो बच्चे से एक रुपया भी नहीं लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, और मेरा एक जीवन का टारगेट है कि मैं बहुत ही कम फीस में बच्चों को पढ़ाऊं, ठीक है, मतलब जहां तक हो सके मैं शिक्षा को निःशुल्क करना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे भारत को अगर तरक्की करानी है, मैंने आपको पता था मैंने ईएमसी वर्कशीट में कहा था भारत को मुझे पावरफुल बनाना है और इसमें मदद करनी है, मदद करने के लिए आपको शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शिक्षा मैं अपने जहां तक होगा उसमें फ्री करना चाहता हूँ। मैंने लॉकडाउन में भी बहुत सारे बच्चों को मैंने शिक्षा एक महीने में फ्री पढ़ाया था, ताकि मुझे पता उनके पास पैसे नहीं है तो इसे जबरदस्ती क्यों लिया जाएगा किसी से, ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ जितना हो सका मैंने किया और मैं करूंगा, क्योंकि शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना है, तभी देश तरक्की करेगा आपका।
खराब स्वास्थ्य, बिल्कुल। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। तो भारत में निरंतरता विभिन्न कारण कौन कौन से है? खराब स्वास्थ्य भी है, ठीक है, बेरोजगारी की वजह से भारत निर्धनता पे भी है, परिवार का बड़ा आकार जिसे इसी बारे में बात की थी, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी है जिस वजह से निर्धनता बढ़ेगी। एक व्यक्ति पढ़ लिख लिया लेकिन उसके पास कोई रोजगारी नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ऋण जाल पाता, ठीक है, ऋण जाल समझ लो, माया जाल की तरह से एक तरह से व्यक्ति को चकड़ लेता है। ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। तो थोड़ा देखो, विचार कर लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो बच्चे घबराइएगा मत, आप लोग इतना हटा सकते हैं इसमें से, ठीक है, इतना इतना ऊपर वाले लिखे तभी लिखना, तो इतना तो पढ़ लिखना पड़ेगा। गरीब व्यक्ति को अपना परिवार चलाने के लिए कभी कभी धन की कमी हो जाती है, इसलिए उसे ऋण की आवश्यकता होती है, और एक बार ऋण के बाद उसकी सारी बचत ब्याज देने में निकल जाती है। देख रहे हो, जो आपने देखा होगा लाला जो आता है, ओए यहाँ पैसा दे दे, ओए यहाँ पैसा दे दे, पता है उससे डबल पैसा ले चुका होता है वो व्यक्ति, लेकिन वो लालची व्यक्ति उसको अपने टॉपिक बताते हैं। और एक ऋण के बाद सारी बचत ब्याज लौटाने में चली जाती है कई बार। देखो देखो, ये रहा मैंने धन लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके नीचे ये सही है, ये इसकी जगह पे ये आएगा, ठीक है, ये आएगा इसकी जगह। कई कार्य के लिए कर्ज दोबारा लेना पड़ता है, धन लिखा था मैंने, धन नहीं कर्ज आएगा, कर्ज दोबारा लेना पड़ता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ऋण जाल निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, ठीक है। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।